ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 और मैं अभी नहा धो के रेडी हो चुका हूँ। तो दोस्तों, मैं इतना जल्दी आज यहाँ नहा धो के इसलिए रेडी हुआ क्योंकि आज हम जा रहे हैं, मतलब हम, मम्मी पापा, मैं, भैया, हम चारों लोग जा रहे हैं पुणे शिव महापुराण की कथा सुनने। और हाँ, हम लोग का मन्नत था, मतलब हम लोग का एक सपना ही था कि पंडाल में कथा सुने। 5 से 6 लाख या 10 लाख से भी ज़्यादा लोग आएंगे, बहुत भीड़ होती है वहाँ पर और सबकी मन्नतें मुरादें पूरी होती है। आप सब भी अपना आशीर्वाद ले लीजिएगा भगवान महादेव से। और चलो, आज आप लोग को महादेव की भक्ति दिखाता हूँ, तो बने रहो वीडियो में, बहुत मज़ा आएगा, अच्छा व्लॉग बनेगा। तो चलो चलते हैं अभी। कल्याण स्टेशन पहुंच गए हैं और अभी ट्रेन आने में 2 घंटा है और बहुत जल्दी आ गए हैं। पापा, मम्मी और भैया इधर ही हैं। अभी हम लोग को कथा जहाँ पर हो रहा है वहाँ पर 2:30 बजे कथा होगा, मतलब 2:30 को कथा होगा, इसलिए हम लोग सोच रहे कुछ नाश्ता पानी कर ले हल्का फुल्का। चलो दोस्तों, इधर मम्मी पापा दोनों वेट कर रहे हैं ट्रेन का और भैया पता नहीं किधर गए। अभी ट्रेन, मैं भी अभी इधर ही वेट कर रहा हूं। पानी ना ले, देखो पानी ये सब यहां वाला महंगा। हे गाइस, तो फाइनली अभी हमें ट्रेन में सीट मिल चुकी है। इधर बगल में मम्मी बैठी हैं, सामने भैया और साइड में पापा। सीट बैठने के लिए मिली है क्योंकि हम लोग ने शेयर कर ली। तो फाइनली अभी हम सब पुणे आ चुके हैं और अब चलते हैं शिव महापुराण की कथा सुनने। चलो चल। ऊंचे ऊंचे वादी में बसते हैं भोले शंकर, ऊंचे ऊंचे वादी में बसते हैं भोले शंकर। कैसी लागी मुझको तेरी लगन, गाऊं और झूम होके तुझ में मगन। ऊंची ऊंची वादी। हे गाइस, तो फाइनली अब हम सब पहुंच गए हैं शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है, मम्मी है, पापा है, मैं हूँ, भैया और पापा हैं। चलो चलते हैं। मम्मी और पापा का बहुत सपना था, हम लोग का भी बहुत सपना था यहाँ पर आने का। हमारा आज एक सपना सच होने जा रहा है, तो आप सब भी बने रहिए, आप लोग को भी दिखाता हूँ। भोले शंकर ऊंची ऊंची वादी में बसते हैं भोले शंकर, भोले भोले शंकर, भोले 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 शंकर भोले। रुद्र रूपा महादेवा त्रिकालदर्शी शंकरा, रुद्र रूपा महादेवा त्रिकाल
को सो दूर जहां भी देखूं, चारों तरफ यह जोगी योगी और है साधु। ये झरने ये नदियाँ बर्फ की चादर ओढ़े, खामोशी से रम जाते हैं तुझ में भोले। बैरागी सन्यासी सब जपते रहते हैं शिव शंभु, ऐसा लगे ये तेरे ही है मेरे शंभु। श्रद्धा और विश्वास की मूलता भगवान श्री गणेश जी महाराज के मंदिर में जाएं या श्री गणेश जी का दर्शन करने के लिए पंडाल में जाएं। भगवान श्री गणेश जी की भक्ति करने के लिए, भजन करने के लिए, मंत्र जाप करने के लिए जब हम पंडाल में या मंदिर में प्रवेश करें, शरण में आके तेरी भक्ति करे, संगीत वन के मेरे साथ चले। ऊंची ऊंची वादी में बसते हैं भोले शंकर, भोले भोले शंकर भोले। ऊंची ऊंची वादी में बसते हैं भोले शंकर। पर्वत जीवन के कईयों साल निकल गए, मेरी जिंदगी के कईयों वर्ष निकल गए, मैं कभी भी पका हुआ भोजन नहीं कर सकती थी। भोजन को उबालते थे, पानी जैसा लिक्विड मुंह में डाल देते थे, कभी खा नहीं सकती थी क्योंकि मेरे को एक बीमारी है, उस बीमारी के अनुसार मैं पका भोजन कभी नहीं खा सकती। ऐसा कोई पुणे का हॉस्पिटल नहीं, कोई मुंबई का हॉस्पिटल नहीं जिस जगह पर उसने लिखा सारे मुंबई और पुणे झूठी है दुनिया सारी, झूठा है जमाना, भोलेनाथ का हूँ मैं दीवाना, भोलेनाथ का हूँ मैं दीवाना। कैसी लागी मुझको तेरी लगन। कथा हो चुका है और अब हम जा आ गए हैं पुणे रेलवे स्टेशन। बहुत बड़ा स्टेशन है, बहुत साफ सुथरा जगह है, और कथा कैसा था वो हम सब आपको घर पहुंचने के बाद बात करते हैं, ठीक है। गाइस तो अभी हम सब हैं पुणे स्टेशन पे, अपनी ट्रेन का वेट कर रहे हैं। ट्रेन हमारी आएगी तो अब हम कल्याण जाएंगे। थोड़ा लेट आ रही है शायद, या तो हम लोग जल्दी आ गए क्योंकि हम लोग शायद 5:30 बजे ही आ गए थे और ट्रेन को आने में अभी 1 घंटा है। 6:30 बजे की ट्रेन है, उसी का ही वेट चल रहा है। यहाँ पर हम लोग बैठे हैं, बहुत सारे लोग बैठे हैं क्योंकि सब लोग जल्दी आ जाते हैं। आप जानते हैं इंडिया में लोग कैसे होते हैं, जल्दी आ जाते हैं। फाइनली अभी हम सब कल्याण जंक्शन पहुंच गए हैं और बहुत भूख लग रहा है। अभी रात के 9 बज चुके हैं और दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो पहले चलो चलते कुछ खाते हैं होटल में। चलो यार चलो, थांबा काका थांबा, कोई भी रेस्टोरेंट में लेके चलो। मामा मैं सादा दाल चावल खा लूँगा।
हे गाइस, तो फाइनली आप लोग को ये व्लॉग कैसा लगा होगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत अच्छी यात्रा थी ये, कल्याण से हम लोग पुणे गए, पुणे से कल्याण आए, लेकिन शिव महापुराण की कथा सुने गणेश चतुर्थी के इस पावन अवसर पर। तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आया। अब मैं इस व्लॉग का एंड करता हूँ, हालांकि थोड़ा लंबा बन गया होगा, बट आप सब अपना प्यार ज़रूर बनाइएगा, लाइक करिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके जाइएगा। मैं जल्दी मिलता हूँ आप सबसे एक नए ब्लॉग के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।